गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बुक से दूसरा थर्ड इकाई पढ़ाने जा रहे हैं। थर्ड इकाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां हैं, जिसमें लेसन पहला है निर्धनता। इस लेसन को जब आप पढ़ लेंगी तो आप कुछ बातें जान सकेंगी, जिसमें निर्धनता के विभिन्न लक्षण हैं, निर्धनता की अवधारणा के विभिन्न पक्षों को समझ सकेंगी, निर्धनता मापन के तरीकों की आलोचनात्मक समीक्षा कर सकेंगी और निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्यक्रमों को समझकर उनकी समीक्षा कर सकेंगे। एडम स्मिथ ने निर्धनता के बारे में कहा था कि कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हों। अब निर्धनता की परिभाषा क्या है? निर्धनता एक अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आय से मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सके। निर्धनता के कुछ लक्षण हैं। पहला है, इनके पास परिसंपत्तियां बहुत कम होती हैं। किसी किसी के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं होते, भूमि भी नहीं होती, और यदि होती है तो वो बंजर होती है। दूसरा, इनके पास जीविका के साधन नहीं होते। थर्ड है, निर्धन परिवारों में भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या है। चौथा है, निर्धन परिवारों में शिक्षा स्तर बहुत ही निम्न होता है। निर्धनता क्या है? दो अध्येताओं शाहीन रफीक खान और डेमियन किल्ले से निर्धनता की स्थिति को बहुत ही संक्षेप में व्यक्त किया है। निर्धनता भूख है, निर्धनता बीमार होना है और डॉक्टर से ना दिखा पाने की विवशता है। निर्धनता स्कूल में ना जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है। निर्धनता बेरोजगारी है, निर्धनता भविष्य के प्रति भय है। दिन में एक बार भोजन पाना भी निर्धनता है। निर्धनता अपने बच्चे को उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं जो अस्वच्छ पानी पीने से होती है। निर्धनता शक्ति, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। आज विश्व का कुल निर्धन आबादी का एक बड़ा भाग भारत में निवास करता है। संविधान सभा को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा, स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरंभ मात्र है। अभी बहुत सी महान उपलब्धियों और विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा में हैं। ये क्या होंगे? ये होंगे निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव। लेकिन आज हम कहाँ पहुँच पाए हैं, ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। निर्धन कौन है? हमारे आसपास बहुत से लोग रहते हैं, उनमें से कुछ धनी और कुछ निर्धन हैं। निर्धन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन के पास कृषि हेतु प्रायः भूमि भी नहीं होती, और यदि किसी के पास भूमि हो तो वो बंजर होती है। ये लोग गांव में ही कोई छोटा काम कर अपनी जीविका चलाते हैं। कितनों को तो दिन में दो बार का भोजन भी नहीं मिल पाता है। फेरी वाले, कागज़ कतरन बीनने वाले, भिखारी, गली में काम करने वाले, मोरची आदि शहरी क्षेत्र के गरीब हैं। इनमें बहुत के पास अपना घर भी नहीं। समस्याएं क्या है? बुनियादी साक्षरता और कौशल से वंचित रह जाने के कारण निर्धनों के लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित रह जाते हैं। समाज के निर्धन वर्ग में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। निर्धन अपनी विवशता के कारण साहूकारों से ऋण लेते हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण वे जीवन पर्यंत ऋणग्रस्तता से मुक्त नहीं हो पाते। अर्थशास्त्री निर्धनता की पहचान उनके व्यवसाय और संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं। इसके बाद ये निर्धनों की पहचान कैसे होती है? स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने निर्धनता रेखा पर विचार किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्धनों की संख्या का आकलन करने के लिए भी बहुत से प्रयास किए गए हैं। बच्चों, आज हम आपको फर्स्ट वीडियो में इतना ही बताएंगे, और जितना भी हमने बताया है निर्धनता के बारे में, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और ये नोट्स हैं, इस नोट्स को अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसके आगे वीडियो 2 हम आपको बताएंगे।